आगे बढ़ रहे हैं और रीट भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में दो साल से फरार चल रही एसओजी की वांटेड महिला आरोपी को धोरीबाना थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी महिला द्रौपदी ने रीट भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में उदाराम के साथ मिलकर पेपर लीक किया और अभ्यर्थियों से लाखों रुपए की वसूली करके उनकी जगह पर फर्जी अभ्यर्थियों को बिठाकर परीक्षा दिलवाई। अब इस मामले में आरोपी द्रौपदी विश्नोई पिछले दो साल से फरार चल रही थी। इसके ऊपर बाड़मेर जिला पुलिस अधीक्षक ने 500 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। उसके बाद धोरीमाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली और सूचना के बाद कोजा गांव में पुलिस ने उसके घर पर दबिश दी। हालांकि द्रौपदी पुलिस की टीम को देखकर घर से भाग गई और उसके बाद पुलिस ने उसका पीछा किया और उसे गिरफ्तार किया। अब धोरीमाना पुलिस द्रौपदी को एसओजी टीम को सपोर्ट करेगी और उसके बाद एसओजी की जो टीम है वो पेपर लीक और परीक्षा में कैसे वसूली करके फर्जी अभ्यर्थी बिठाने के मामले में उसे पूछताछ करेगी। तो रीट भर्ती परीक्षा 2021 में ये धांधली का पूरा मामला, दो साल से जो आरोपी है वो फरार चल रही थी और उसके बाद आखिरकार पुलिस ने धर दबोचा है। अपने घर से जगह जोधपुर जयपुर जगह जगह नाम बदल कर और ये छुपती फिरती थी। अभी होली पर घर आने की सूचना थी, होली पर चेक किया नहीं मिली। दो दिन पहले ही घर आया, आज सुबह मुझे मुखबिर से सूचना मिली कि द्रौपदी घर आई हुई है। जैसे मैं पुलिस दल लेकर वहाँ घर पे गया और गेट खोला तो ये घर से निकल के भागने लगी। अभी दो साल से फरार थी जिसको मैंने दस्तियाब किया है और बाड़मेर एसपी साहब की तरफ से 500 रुपए के इनाम में अपराधी थी। आगे बढ़ रहे हैं और